हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और आज हम बात करेंगे महाद्वीप और उनकी विशेषताओं के बारे में। महाद्वीप और उनकी विशेषताओं की बात करें तो आपको पहले से पता है कि पृथ्वी पर जो लगभग 71% जो भाग है वो आपका जल से घिरा हुआ है ना, और जो आपका 29% है यानी 29% है वो केवल स्थल भाग है। और इस 29% में भी 7 महाद्वीप स्थित हैं। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करें कौन कौन से महाद्वीप हैं, मैप में देख लेते हैं और इनके बारे में यहाँ पर ही डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला जो कंटिनेंट आपका देखा जाए तो आपका एक तो आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा आपका दक्षिण अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका लास्ट में नीचे की नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, महाद्वीप हैं। अब यहाँ पे आज हम जो विशेष तौर पे बात करेंगे वो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप की बात करें तो देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा देखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंस जो एरिया है वो एशिया है, आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। दूसरे नंबर पे आपका नंबर आता है अफ्रीका का, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है, अफ्रीका के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आता है जनसंख्या की दृष्टि से, फिर आपका उत्तर अमेरिका आ जाता है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका आ जाता है और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और सबसे लास्ट में आपका अंटार्कटिका आता है। देखो, अंटार्कटिका पे पॉपुलेशन की जो बात करें तो अंटार्कटिका पे परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामान्य तौर पे जो देखा जाता है अंटार्कटिका पे लोगों के जो अन्य देशों के विभिन्न देशों के शोध संस्थान हैं, तो यहाँ पे कोई परमानेंट लोग नहीं रह पाते हैं। और सामान्य तौर पे कब होता है, देखो आपको पता है कि गर्मी कब पड़ती है और सर्दी कब पड़ती है, तो सामान्य तौर पे यहाँ पर क्षेत्र अंटार्कटिका वाले जो क्षेत्र है इसमें सामान्य तौर में जब यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है, यानी हमारे भारत में जिस वक्त सर्दी पड़ रही होती है, यानी कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमक रहा होता है, तो उस समय कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर जाती है, कुछ फसलें उगाने के लिए भी लोग जाते हैं अफ्रीका के क्षेत्र से, और कुछ मैक्सिमम लोग जो यहाँ से जाते हैं वो केवल शोध के विषय के लिए जाते हैं। तो अंटार्कटिका एक बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरिया है और यही कारण है कि यहाँ पे क्या है, ये सबसे कम पॉपुलेशन कौन सा क्षेत्र में मानी जाती है, अंटार्कटिका वाले महाद्वीप पर मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको दिखाई दे रहा है येलो भाग यानी आपका एशिया, जिसमें आप इंडिया भी है आपका, तो ये आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपकी जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका है और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अफ्रीका ही है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है और उत्तरी अमेरिका के बाद चौथा नंबर आता है दक्षिण अमेरिका का और पांचवा नंबर आता है आपका अंटार्कटिका का, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पांचवें नंबर का है। उसके बाद यूरोप जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पे आता है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, वो कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। बात करते हैं एशिया की थोड़ी सी डिटेल में। एशिया की बात करें तो एशिया, पहली बात तो देखो यहाँ पे आपका यूरोप में यूनानी लोग रहते थे। यूनानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अब देखो यहाँ पे सूरज किस साइड में उगेगा, इस साइड से उगता है, इस साइड से ही तो उगेगा, सूरज ऐसे ही उगता हुआ तो दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ, यहां से जब सूर्योदय होता था तो इसी के आधार पर उन्होंने अपनी भाषा में, यानी उन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा कि आंसू से हुई है, एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, एशियन भाषा के शब्द आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय। ठीक है, तो सर्वप्रथम यूनानी जो थे, जो इस यूरोप भूमि में सामान्य तौर पर रह रहे थे, तो उनकी भूमि जो पूर्व से सूर्योदय होता था उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, एशिया रख दिया गया। और एशिया का जो शाब्दिक अर्थ आंसू से उत्पन्न हुआ है, जो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सूर्योदय, यानी सूर्योदय की जो भूमि है उसके लिए आपको एशिया शब्द दिया गया, जिनके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। और ये आपको पता ही है कि आपका जो पूरा की पूरा एशिया है ये आपका
बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में सामान्य तौर पे है, उत्तरी गोलार्ध में है मुख्य तौर पे, है ना। बहुत कम भाग है जो इसका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी यही है, ये आपको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से भी यही है। विश्व का 30.6% जो भाग है वो अकेला कौन सा है, एशिया का है, और इसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया के अंदर आपकी 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, और ये है कितना परसेंट, आपके स्थल भाग का मात्र 30.6% भाग है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से अगर दक्षिण की बात की जाए, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की बात की जाए, तो ये आपका 8,580 किलोमीटर बड़ा है, 8,580 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और इसकी बात की जाए पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बात की जाए, तो यह आपकी लंबाई जो होती है वो आधा हो जाती है 7,720 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है ये। 80 डिग्री ये आपका जो ऊपरी भाग होगा ये क्या होगा, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे का जो भाग होगा वो क्या होगा आपका, देखो विषुवत रेखा के नीचे आएगा दक्षिणी अक्षांश, पता है ना आपको। तो यहाँ पे आपका जब दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री पूर्व से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी ये पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में मुख्य तौर पे स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम इसका इसका हिस्सा आता है। एशिया महाद्वीप के बहुत सारे नाम है, एशिया महाद्वीप के बहुत सारे नाम है, विभिन्न उपनामों से इसको जाना जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप, नदियों की सभ्यताओं का पालना, मानव की जन्मभूमि, सभी धर्मों का आहार भूमि, विषमताओं का महाद्वीप, पक्षियों का डेरा, भूत तथा भविष्य का महाद्वीप, ऐसे बहुत सारे नाम है। इसमें जो प्रमुख देशों की बात करें, प्रमुख कंट्रीज की बात करें, देखो ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, आपका ये इंडिया रहा, चाइना रहा, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं यहाँ इस क्षेत्र की, रशियन रहा, रशिया रहा, रशिया का भी एक हिस्सा यूरोप के अंदर भी आता है, और ये मैक्सिमम जो पार्ट है उत्तरी साइबेरिया वाला जो पार्ट है, सेंट्रल साइबेरिया वाला पार्ट है, वो सामान्य तौर पे किसमें आता है, पूरा साइबेरियन जो एरिया है रशिया का वो आपका एशिया के अंदर आता है, ठीक है। और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इजराइल, ठीक है, यमन, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान जिसके बारे में अभी बात चल रही है, फिर आपका जापान हो जाता है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये सारे के सारे आपके एशिया में ही आते हैं, ये सारे के सारे आपके एशिया के अंदर आने वाले कंट्री हैं। और थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब की सब हमारे एशिया के अंदर आने वाले देशों में से हैं। फिर आप अगर ध्यान से देखें तो आपका ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है, ऊपर से कहां से ऊपर की तरफ देखें तो एक प्राकृतिक क्षेत्र है आर्कटिक महासागर का, इससे घिरा हुआ है ऊपर की तरफ देखें तो। आप अगर इसको पूर्वी भाग की तरफ देखोगे तो पूर्वी भाग में आपका प्रशांत महासागर से कवर्ड है, नीचे की तरफ देखोगे तो आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर से कवर्ड है, और केवल ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कुछ तो ह्यूमन मेड है, कुछ नेचुरल है, इसलिए कई लोग इसको जो इसकी पश्चिमी सीमा है एशिया की, ये पश्चिमी जो सीमा है इसको कई बार कृत्रिम सीमा के तौर पे भी देखते हैं। आपको यूरोप और एशिया को अलग करने वाला, देखो यूराल माउंटेन जो है, यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो ये रही, तो यहां से क्या होता है, एशिया और यूरोप अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आपके आपको याद है कि आपकी जो मकर रेखा, ओ सॉरी कर्क रेखा है, वो आपके भारत के लगभग लगभग मध्य से निकलती है। अब लगभग मध्य से निकलती है तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से देशों से निकली, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपका जैसे सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, भारत
हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन आदि देशों से एशिया में कर्क रेखा निकलती है। यूरोप, यूराल पर्वत आपका इसको अलग कर रहा है उससे, किससे? आपके यूरोप से अलग कर रहा है। और रूस का उत्तरी भाग जो है साइबेरिया का, वो पूरा की पूरा एशिया में है। और 90 डिग्री, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है, ये रहा। 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये लगभग लगभग आपके एशिया के मध्य से गुजरता है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बात करें, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें, तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? ये देखो, ये वाला हिस्सा। प्रायद्वीप क्यों बोला इसको? क्योंकि देखो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला? प्रायद्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा है? देखो आपके भारत के पास आपका तिब्बत का पठार और पामीर का पठार है, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिसको पामीर की गांठ भी बोलते हैं। विश्व की छत 4,875 मीटर ऊंचा है ना। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, भूले थोड़ी हो आप, तिब्बत का पठार। सबसे गर्म स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान में नाम क्या है उसका? आपको पता होगा, अब जैकोबाबाद, जिसमें 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया जाता है। सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो आपका बर्खोयास्क है, जो आपके कहाँ पे है? रसिया के अंदर है। जो आपके कहाँ पे है? बर्खोयास्क कहाँ है? रसिया के अंदर है। भारत के जो चोटी है सबसे ऊंची भारत के पास में, जो नेपाल के अंदर पड़ती है, माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? वो आपकी यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। और ये आपका क्या है? नेपाल के अंदर पड़ने वाली जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची है। ठीक है, भारत के महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था एवरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1953 में तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी ने इस पर पहली बार चढ़ाई की थी। अच्छा ये आपका कौन सा है? पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है इस साइड में। ठीक है, इधर आपकी क्या है? फिलीपींस। और यहीं पे पड़ता है आपका मोरियाना ट्रेंच, मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त जो हमारे पूरे विश्व में सबसे गहरा गर्त माना जाता है, यानी 11,022 मीटर गहरा, यानी इसमें आपका पूरा की पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाएगा, फिर भी काफी ऊंची जगह रह जाएगी, इतना गहरा गर्त है ये समुद्र के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो आपके भारत क्षेत्र में है, बिल्कुल वो आपके भारत क्षेत्र में पड़ता है। और वो नाम क्या है उसका? मौसिनराम, जो आपके मेघालय में है। ठीक है, जो आपके मेघालय में है। सबसे लंबी नदी आपके चाइना के अंदर यांगटीसी नदी जो है। सबसे गहरी झील बैकाले झील, कहाँ पे आपकी बैकाले झील? ये आपकी बैकाले झील ये रही। ठीक है, तो बैकाले झील क्या है? आपकी सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप देखो आपका इंडोनेशिया का है, बोर्नियो, बोर्नियो। ठीक है, तो इसको याद रखना, बोर्नियो। ये आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आपका सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सबसे शुष्क स्थल की बात करें तो वो आपका यमन के अंदर है, यमन के अंदर है। ठीक है, जिसको आप अदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अदन के नाम से। और गल्फ ऑफ अदन भी है यहाँ पे, है ना, अदन की खाड़ी। एशिया के पश्चिम में है ये निम्न बिंदु मृत सागर, मृत सागर जो कि आपका कितना है? 397 मीटर गहरा है। आपका जो डेड सी है, डेड सी के नाम से इसको जानते हैं, जो सबसे ज्यादा निम्न बिंदु उसमें देखने को मिलता है, मृत सागर जो 397 मीटर गहरा है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। जॉर्डन कहाँ है आपका? ये रहा। और इजराइल ये रहा, ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका जॉर्डन। और इसकी जो सीमा है यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ आपका डेड सी है। ठीक है, फिर ये देखो मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर, इसका नाम आपने जलवायु के उसमें जब आपने कंटेंट में पढ़ा था तो आपने इसका नाम बहुत सुना हुआ था, मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर जो है आपका। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीपीय समूह की बात करें तो आपका इंडोनेशिया है, क्योंकि इसमें द्वीपों की संख्या काफी ज्यादा है,
इसमें द्वीपों की संख्या काफी ज्यादा है इस क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा जो द्वीपीय समूह है वो आपका इंडोनेशिया का है। फिर बात करें सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी, कैस्पियन सागर, ये रहा कैस्पियन सी, ये आपका कैस्पियन सी है ना, जो आपका 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। सबसे खारी झील लेक मोन कहाँ पे है आपकी, तुर्की, तुर्की याद है आपको, तुर्की कहाँ पे है, ये रही आपकी तुर्की, ठीक है। और इसी के पास में क्या है आपकी, सबसे खारी झील लेक मोन, जो कि तुर्की में है, 330 प्रति हजार लवणता है इसमें, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, पेंगोंग, लद्दाख के अंदर, भूले तो नहीं है आप, कहाँ पे है, लद्दाख, लद्दाख के एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पेंगोंग। सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर, सिंगापुर कहाँ पे है आपका, सिंगापुर आपके चाइना के नीचे वाले हिस्से में है, ठीक है। एशिया में से 3 अक्षांशीय व्रत, आर्कटिक व्रत, विषुवत व्रत और कर्क व्रत, तीनों निकलते हैं। देखो कहाँ से, आर्कटिक व्रत जो आपका निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो ऊपर की साइड से निकलेगा, है ना, 66.5 डिग्री के पास में, 66.5 डिग्री के पास में से निकलेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट जो आता है ये आपका आर्कटिक व्रत निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपका कर्क वाला निकल गया, जो लगभग लगभग आपके इस क्षेत्र से निकला। उसके बाद आपका जो नीचे वाला हिस्सा है विषुवत व्रत, वो भी आपके यहाँ से निकल जाता है, इक्वेटर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर यहाँ से करीबन निकलता है 0 डिग्री से। तो आपके तीनों व्रत यहाँ, तीन व्रत यहाँ से निकलते हैं जो बहुत मुख्य हैं, है ना। अब आपको भारत के संदर्भ बात करें तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपके गोरखपुर में है, कहाँ पे है आपका, गोरखपुर में, जो कि यूपी के अंदर है। विश्व का 90% उत्पादन आपके एशिया में होता है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन आपकी थाईलैंड में होता है, थाईलैंड आपका पड़ोसी देश है, तो थाईलैंड के अंदर आपका 90% उत्पादन जो होता है चावल का एशिया में होता है, रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे ज्यादा नाम किसका आता है, सऊदी अरब का आता है, रूस का आता है, इराक और ईरान का आता है। प्राकृतिक गैस में रूस और ईरान का नाम सबसे ज्यादा आता है, ये आपका ईरान रहा और ये आपका रूस रहा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नाम प्राकृतिक गैस में उत्पादन में इसका आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश सबसे ऊपर है, तो आपका चाइना है ना, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, हमारा भारत देश, ठीक है। तो ये आपके कुछ बहुत जो मुख्य जगह थी वो थी। फिर बात करें, जब किसी महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है चैनल, यानी अक्सर देखो ये तो थी एक स्थलीय चीजें या फिर वो चीजें जो कि दूसरे कंटिनेंट से, दूसरे महाद्वीप से इसको अलग कर रही थी, लेकिन ऐसी चीज भी है जो आपस में देशों को अलग करती हैं। जैसे आपका कोको चैनल, कोको चैनल किसके बीच में पड़ता है आपका, आपका पड़ेगा वो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है और ये म्यांमार का, और इसके बीच का जो हिस्सा है ये कौन सा है, कोको चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसके नाम से जाना जाता है, कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। सुंडा स्टेट जावा और सुमात्रा के मध्य बनाता है, किसके नीचे बनवाता है, सुंडा स्टेट जावा और सुमात्रा के मध्य बनाता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, हमने पढ़ा था डक्कन चैनल बनाता है, लिटिल अंडमान, अंडमान निकोबार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल आता है। इस तरह बहुत सारी जगह हैं जिनके चैनल्स आपको याद होने चाहिए। एशिया के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो एशिया के जो प्रमुख पर्वत हैं, तो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हिमालय, हिमालयन रेंज। एक रीजन तो ये है, जब अंगारा और गोंडवाना लैंड की टक्कर हुई तब तो इसका निर्माण हुआ था, है ना। और ये आपका नेपाल, भारत, चाइना, इन सभी के भागों में आता है। और ये किसका पार्ट है, अगर देखा जाए तो ये नवीन वलित पर्वत है, ये आप हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के हिसाब से। आपका काला पर्वत है पाकिस्तान के उत्तर में जो है,
वो क्या है, वो आपका काला पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो हिस्सा है ना, वहां पे कौन से पड़ता है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पड़ती है। यूराल पर्वत से तो आप परिचित ही हैं, इसने तो यूरोप और एशिया को अलग ही किया है ना। फ्यूजियामा पर्वत बहुत सुना होगा आपने, जापान का सबसे बड़ा पर्वत है ये, और ये कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है जो शांत है, जो कैसा है, जो शांत पर्वत माना जाता है, शांत ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। स्टालिन पर्वत रूस का सबसे ऊंचा पर्वत पड़ता है, ये कौन सा है, रशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसके बाद बात करें तेनन सोंग थाई पर्वत, थाईलैंड का, थाईलैंड का है आपका, थाईलैंड आपका यहां रहा, ये रहा, तो थाईलैंड का ये सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती शिखर म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है, जुगरियन नॉनसान पर्वत चीन में है, अल्टाई पर्वत मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है, पिगियोमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, याद रखो पिगियोमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार की उस पे स्थित है, इस क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। बात करें यहाँ के नदी मैदानों की, देखो यहाँ पे नदियों की सभ्यता का महाद्वीप भी कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का बहुत बड़ा एक तंत्र है। और भारत के बारे में बात करी थी हमने, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिस्सा सभ्यताओं का इसी की वजह से है। फिर दजला फरात का मैदान जो आपके इराक में आ जाता है, फिर आपका मेकांग का पर्वत जो इंडो चीन में, इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं इसको, किसको, मेकांग का मैदान जो इंडो चीन में है, ठीक है, जो इंडो चीन में है, राइट। यांग टीसी सिक्योंग का मैदान, एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है, चाइना में है। होंगकोंग नदी से बना मैदान जिसको चीन का क्या कहा जाता है, सोक कहा जाता है, होंगकोंग नदी से बना हुआ मैदान। तो इस तरह से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ये आपका एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे अनन्य देशों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड को आपका क्या नाम दिया जाता है, इसको आपको हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। लेकिन लाओस की बात करें, लाओस की बात करें तो उसको हाथियों का देश, देखो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, लेकिन लाओस क्या है, आपको हाथियों का देश है। पूर्व का रत्न, रत्नों का द्वीप, सिंगली द्वीप, इन नामों से किसको जाना जाता है, आपका श्रीलंका को, पूर्व का रत्न, रत्नों का द्वीप या सिंगली द्वीप, इनके नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, वो आपका पड़ोसी देश भूटान, आपका मित्र देश भूटान, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। मालदीव, मालदीव की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, मुंगों का द्वीप, क्या कहा जाता है, मुंगों का द्वीप। देखो आपको पता है ना, कोरल, कोरल से बने जो द्वीप हैं आपका, जैसे लक्षद्वीप है वो भी इसी से बना है, मालदीप है तो ये भी इसी से बना हुआ है, तो इसी वजह से इसको मूंगों का द्वीप कहा जाता है, कोरल मतलब मूंगा। यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, तुर्की को। एशिया का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वीप या एशिया का प्रवेश द्वीप के साथ यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को, तुर्की इसको टर्की भी बोल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप एशिया के बारे में आपको जानने चाहिए। आपको एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का कोई कमी है ही नहीं। एशिया में 11 स्थलबद्ध देश हैं जिनमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, कौन सा, कजाकिस्तान, ठीक है। और सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, आपका भारत, बिल्कुल आपका भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डाकघर है, जहां सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और इसमें 3900 द्वीपों में से चार प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे जापान में
आपको द्वीप ही द्वीप नजर आएंगे, द्वीप ही द्वीप नजर आते हैं। और इसमें होन्सू, होकिंगो, क्यूसू, सिकोको, ये सबसे बड़े और मुख्य चार द्वीप हैं इसमें। जिसमें होन्सू जो आपका है, होन्सू ये आपका कैसा है, सबसे बड़ा द्वीप है इसका। और सिकोकू, सिकोकू जो है आपका, ये सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है। उसके अलावा होन्सू और सिकोकू के अलावा क्या है, होकिको और क्यूसू भी है। जापान में क्वांटो घास के मैदान पाए जाते हैं। जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका नगर को कहा जाता है। जापान की ही बात करें तो जापान में सर्वाधिक जलयान निर्माण होता है। जलयान का सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है, आपके जापान में होता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन भी कहाँ होता है विश्व में, सबसे ज्यादा जापान में होता है आपके। सबसे ज्यादा आपका भूकंप कहाँ आते हैं, तो उसमें भी जापान टॉप पे आता है आपके। और जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपको पता ही है। हिरोशिमा पे जो लिटिल बॉय नाम का जो बम गिराया गया था, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और आपका नागासाकी पर फैटमैन के नाम से गिराया गया था, वो 9 अगस्त 1985 को 1945 में गिराया गया था, 1945 में गिराया था। तो ये चीजें आपको पता होंगी, है ना। बात करें चाइना की, चाइना की बात करें तो चाइना में उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर देखा जाए तो चाइना में बहुत ज्यादा उत्पादन है बहुत सारी चीजों का, जिसमें तंबाकू, गेहूं, चावल, कागज, कपास, इन सब का उत्पादन बहुत मात्रा में किया जाता है। मछली पकड़ने में इसका पहला स्थान है भाई साहब, चाइना का मछली उत्पादन या मछली पकड़ने में सबसे पहला स्थान आता है। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार भी किसमें हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, चाइना में। देखो सर्वप्रथम चीन का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा है, संघाई, तकला मकान व गोबी मरुस्थल, तबला तकला मकान और गोबी डेजर्ट जो आपका है, ये भी कहाँ पे है आपका, ये भी आपका चाइना के अंदर है, चीन के अंदर। बात करते हैं रूसी, रूस की, रसिया की, तो रसिया के बारे में बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, सबसे बड़ा देश है एशिया में। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इससे बड़ा कोई देश नहीं है, ये सबसे बड़ा देश पड़ता है रसिया। एशिया व यूरोप में दोनों में स्थित है ये, क्यों, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इस साइड भी है और कुछ मैक्सिमम हिस्सा आपका एशिया के अंदर आता है इसका। उत्तर भारत का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पे, जिसका सबसे ठंडा स्थान, जिसको बर्खो यास कभी अपनी बात की भी थी, ये -69 डिग्री टेम्परेचर शो होता है यहाँ पे। रूस का 77% हिस्सा साइबेरिया में आता है, साइबेरिया में आता है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरी झील जो बैकाले झील है, कौन सी, बैकाले झील जो आपकी है, ठीक है, वो भी कहाँ पे आपकी आती है, वो भी आपकी रसिया के अंदर ही आती है। और एशिया में विश्व का 44%, यानी 44% आपका पेट्रोलियम, और सऊदी अरब विश्व का 20% पेट्रोलियम, सऊदी अरब जो है 20% पेट्रोलियम पे कब्जा रखते हैं या उत्पादन करते हैं, 44% एशिया का, कितना, विश्व का 44% पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, और यही सऊदी अरब जो है वो 20% यानी 20% पेट्रोलियम उत्पादित करता है पूरे एशिया का, ठीक है। तो सऊदी अरब में बात करें तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में स्थित है मक्का मदीना, जो मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आपको पता होगा जो नवाज पढ़ते हैं तो हमेशा मक्का मदीना की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं, तो दुनिया में अगर कोई कहीं पे भी होगा तो वो कहाँ की तरफ फेस करेगा, वो हमेशा आपके सऊदी अरब की तरफ फेस करके नवाज पढ़ता है। उसका कारण क्या है, आपके मक्का मदीना का होना, आपके मक्का मदीना का यहाँ पे होना इस वजह से करता है। तो ये आपका मुस्लिम संप्रदाय का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ हज करने जाते हैं लोग। सऊदी अरब के लाल सागर के तटवर्ती भाग को चमकती हुई सूरज का यमलोक कहा जाता है, बिल्कुल। आपके सऊदी अरब के जो लाल सागर के तटवर्ती भाग हैं, ये आपका जो रेड सी है, इसका जो तटवर्ती भाग है,
इसको चमकते सूरज का यमलोक कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश कहाँ है? बिल्कुल आपका पड़ोसी देश, आपका पड़ोसी देश। ऐसा लगता है कि किसी को साइड में दबा के रखा हुआ है, ये इस तरीके से कवर करके, भारत। बिल्कुल, तो वो कौन सा है? आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश 1971 में पाक से टूटकर अलग देश बना था। आपको पता है ना कि पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के तौर पे जाना जाता था। तो यहाँ पे जब ये पाकिस्तान से अलग हुआ, तब एक 1971 में एक नया देश बना जिसको बांग्लादेश कहा गया। तो 1971 में बनाई, पाक से टूटकर बना था, पाक का हिस्सा माना जाता था। ये एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है और इसे नदियों का देश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना सब यहीं आ जाती हैं लास्ट में चल के। इसी वजह से इसको नदियों का देश कहा जाता है। बात करते हैं इसराइल की, तो इसराइल के लोग जेरूसलेम को पवित्र भूमि मानते हैं। इसराइल आपका छोटा सा कंट्री, बट उसने अपने जो क्षेत्र में है अपना बहुत तगड़ा दबदबा बनाया हुआ है। इसराइल कंट्री है ना, इसराइल का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा। बहुत ही टेक्निकली साउंड कंट्री है ये, बहुत पावरफुल कंट्री माना जाता है इसको। ये अपने क्षेत्र में बहुत तगड़ा प्रभुत्व रखती है, इससे बहुत सारी टेक्निक हमारा भारत देश भी खरीद रहा है। पेगासस के नाम से अभी आपने बातें सुनी होंगी न्यूज़पेपर में, जो आपका क्या था, एक जासूसी ऐप के तौर पे देखा जाता है, वो भी आपके इसराइल से ही परचेज किया गया था। तो ये सारी चीजें, इसराइल टेक्निकली एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड देश है, बहुत आगे का देश है, जिससे इसने अपनी सीमाओं पर ऐसे ऐसे ड्रोन्स लगाए हुए हैं, इस तरीके के सिस्टम लगाए हुए हैं कि वहां इंसानों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है लड़ाई करने के लिए। वहां इसकी परमिशन के बिना कोई एंटर तक नहीं हो सकता। तो ये ताकत है टेक्निक की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, जो इस छोटे से देश ने बताई, इसराइल। तो इसराइल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पे जेरूसलेम की पवित्र भूमि कहा जाता है इसको, इसराइल के अंदर। तुर्की की बात करें, यूरोप का रोगी रहता कहाँ पे है? तुर्की है कहाँ पे? एशिया के अंदर, लेकिन कहा क्या जाता है? यूरोप का रोगी कहा जाता है इसको। इस तुर्की में अंगोला नस्ल की बकरी पाई जाती है, जिससे मोहरे मोहरे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। बहुत महंगा ये ऊन होती है और बहुत अच्छी माना जाता है इसको। तुर्की को रोमन लोग फलों का स्वर्ग कहते हैं। रसदार फलों का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है तुर्की के अंदर, इसलिए इसको फलों का स्वर्ग कहा जाता था रोमन लोगों के द्वारा। ठीक है, इराक की बात करिए, इराक की बात करें तो इराक आपका कहाँ है? आपका इराक ये रहा, बिल्कुल अरब प्रायद्वीप वाले हिस्से में। आपके इराक की बात करें तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग को कुर्गिस्तान तथा ईरान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को खुर्जिस्तान कहा जाता है। इसलिए विश्व का सबसे ज्यादा खजूर उत्पादन कहाँ होता है? इराक में होता है। बल्कि सबसे ज्यादा खजूर उत्पादन होता है आपका, विश्व का सबसे ज्यादा खजूर उत्पादन कहाँ होता है? इराक में। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र अगर वो है, तो अबादान के नाम से आपने सुना होगा, अबादान, अबादान, ये कहाँ है? ये भी आपके ईरान में ही है। कहाँ पे है? ये आपके ईरान में है। इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। दजला नदी के तट पे स्थित है ये, है ना? दजला फरात के बारे में सुना है आपने? तो वहां दजला नदी के तट पे स्थित है। पाकिस्तान की बात करिए तो पाकिस्तान का सूई क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सूई क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पाक का साल्ट रेंज, यानी आपके भारत में सेंधा नमक, अभी पाकिस्तान में जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान से आने वाला सेंधा नमक बहुत महंगा हो गया था। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं, अक्सर लोग फास्ट में खाते हैं ना, तो वो जो सेंधा नमक था बहुत महंगा हो गया था। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान का नमक खाते हैं सारे के सारे लोग मजाक की बात है, लेकिन पाकिस्तान से ही नमक आता है सेंधा नमक। आपका चूना, जिप्सम आदि भी यहाँ से आते हैं। पाकिस्तान के स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के स्वर्ग की तरह देखी जाती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, वैसे पाकिस्तान में स्वात घाटी को स्वर्ग कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बिल्कुल आप जानते हैं उसको,
वो कौन सा है, इंडोनेशिया है ना, इसी के बारे में बात की थी हमने, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, बोर्नियो। यहाँ सर्वाधिक सिनकोना उत्पादन होता है बच्चों, बांडू, इंडोनेशिया में सबसे बड़ी सिनकोना मंडी है बांडू के नाम से। नेपाल, नेपाल जो कंट्री है इसको आपका हिमालय के वरद पुत्र यानी जिसको वरदान प्राप्त हो, हिमालय के वरद पुत्र के नाम से जाना जाता है। आपका श्रीलंका जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, इसको सिलोन कहा जाता था पहले। महावेली की गंगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली की गंगा। अफगानिस्तान के बारे में बात करो, अब किसी भी देश के बारे में बात करो कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एशिया के बारे में। अफगानिस्तान को प्राचीन काल में एरियाना और मध्य काल में खुरासान के नाम से जाना गया। अफगानिस्तान विश्व में अफीम उत्पादन में सबसे अग्रणी है। यहाँ एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं है या कोई विशेषता नहीं रखता। यहाँ हर एक देश अपने आप में एक बहुत विशिष्टता रखे हुए। आपको चीन को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा। चाइना को आपके चावल का कटोरा कहा जाता है। चीन का पालना, विहोदी नदी। पूर्व का ब्रिटेन, जापान को, ठीक है, उगते सूरज के देश को क्या कहा जाता है, जापान। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है, जापान को। और पूर्व का ब्रिटेन भी किसे कहा जाता है, जापान को। जापान का डेट्राइट, नगोया। दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता, जकार्ता। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो कोलकाता है उसको जकार्ता कहते हैं, है ना। जापान का पिट्सबर्ग, यावता नगर। जापान का जो पिट्सबर्ग है वो यावता नगर है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है आपका, ये रहा आपका गोबी मरुस्थल, कहाँ पे, मंगोलिया और चाइना में इसका क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं थी जो आपने एशिया के बारे में देखी, कंट्रीज के अलग अलग चीजों के बारे में आपने देखा। ये सब क्या है, ये सब की सब आपकी एशिया की विशेषताएं हैं और यही तो आपको पढ़ना है, इसी के बारे में तो हमें बात करनी है। तो बच्चों ये था आपका एशिया महाद्वीप। अब हम चूंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अन्य महाद्वीपों के बारे में, लेकिन अब देते हैं इस वीडियो को विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।